हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। जनरली क्या होता है कि कंपटीशन का ज़माना है, एग्ज़ाम्स हैं, सिलेक्टेड लोगों का चयन होता है, कुछ का चयन होता है, कुछ का नहीं होता है, कुछ थोड़े से लोगों का चयन होता है और बहुत ज़्यादा लोगों का चयन नहीं होता है। समझाने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, घावों पे मरहम लगाने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन असल ज़िंदगी का सच तो यही है कि हर समय लाइफ में हमें सही रिजल्ट नहीं मिलता है। हम अपने आप से बहुत ज़्यादा आशाएं रखते हैं, अपने जीवन से बहुत ज़्यादा आशाएं रखते हैं, अपने भविष्य से बहुत ज़्यादा आशाएं रखते हैं, और हर वक्त ये सब कुछ जो हम चाहते हैं वो जीवन में नहीं होता है। अब दुख तो होता है, रिजल्ट हमारे हिसाब से नहीं आया है, और उस दुख की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उस दुख को बिल्कुल भी ना माने, बिल्कुल उस दुख को माने। जी हाँ, ये एक चोट है जो आपके अंतर मन पे लगी है, और ये चोट आपको याद रहे या नहीं रहे, लेकिन अंदर आपके कुछ ना कुछ परिवर्तन करेगी। चोट लगी है, दुख हुआ है, इस पे हमारा नियंत्रण नहीं है, ये तो हो नहीं था, लेकिन अंतर मन पे इसका क्या असर पड़ेगा जो हमारे भविष्य को तय करेगा, उसको हम अपने हिसाब से थोड़ा ड्राइव कर सकते हैं। हम अपने हिसाब से जिस भी दिशा में ले जाना चाहते हैं उसको ले जा सकते हैं। रिजल्ट गलत आया है या सही आया है इस बात की बात नहीं कर रहे हैं। रिजल्ट जैसा भी आया है वो आपका अपना रिजल्ट है, आपको उसको स्वीकार करना तो आना ही चाहिए। खुशी के साथ स्वीकार करें या दुख के साथ करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रिजल्ट तो रिजल्ट है। अब ये रिजल्ट जो होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के, ये पास या फेल के रिजल्ट नहीं होते हैं। ये एक नॉर्मल क्लास के एग्जाम नहीं है कि इसमें आप इतने परसेंट के ऊपर लाए तो पास है, इतने परसेंट के नीचे लाए तो फेल है। ये कॉम्पिटिशन का एग्जाम्स होते हैं, इसमें कुछ ही लोगों को ऊपर ऊपर लोगों को सिलेक्ट करना होता है, और बाकी के लोग जो होते हैं 0.01 भी परसेंट कम आया है या 0.01 भी नंबर कम आया है तो वो सिलेक्ट नहीं हुए। आघात तो लगता है दिल को, लेकिन इसमें कुछ और बातें भी समझने की हैं कि क्या हमेशा सभी रिजल्ट हमें हमारे हिसाब से ही मिलना चाहिए। आप खुद भी अपने आप से पूछिए कि ऐसा पॉसिबल है कि जिंदगी में जितनी चीज़ें हम अपने आप से चाहते हैं वो सब हमारे हिसाब से ही हों? कतई पॉसिबल नहीं। मैं आपके घावों पर मरहम नहीं छिड़कना चाहता, लेकिन इसको स्वीकार करने के लिए मैं आपको कुछ तथ्य देना चाहता हूँ जिससे आप स्वीकार करना सीख जाएं कि हमें जीवन में हर तरह के रिजल्ट को किस तरह से स्वीकार करना चाहिए। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ, मैंने जब पढ़ाई करी अपनी कॉलेज की, उसके बाद IAS की तैयारी करी, बड़ी बड़ी मोटी मोटी यूनिट की गाइड सॉल्व करी, काफ़ी पढ़ाई करी भूगोल की, इतिहास की। IAS में कई साल कोशिश करने के बाद नहीं हुआ, फिर मैंने PSC की तैयारी शुरू की। मैंने कहा चलो ठीक है, वो उस लेवल तक नहीं जा सकते तो PSC तक जा सकते हैं। काफ़ी तैयारी करी, नहीं हुआ। SSC की तैयारी करी, प्री में हुआ, मेंस में हुआ, इंटरव्यू में नहीं हुआ। मैनेजमेंट तैयारी की, फाइनेंस में MBA कुछ 1-2 साल का किया, उसके बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर पाया। साथ साथ जो है कि MTech की तैयारी की हुई थी, तो फिर मेरी जॉब मल्टीनेशनल कंपनी में लग गई। उस वक्त मेरे दोस्तों का कुछ का सिलेक्शन हो गया था, वो IAS में हो गया था, कुछ लोगों का IPS में हो गया था। लगता था उन्हें देखकर कि भाई काश मेरा भी हो जाता, लेकिन आघात तो था। तब मेरे एक टीचर ने मुझसे कहा था, वो मैं बात आपको भी कहना चाहता हूँ। मेरे टीचर ने मुझसे कहा था कि लाइफ गेट्स इट्स ऑन वे, मतलब जिंदगी अपने रास्ते खुद तलाश लेती है, जिंदगी अपना बेस्ट रास्ता खुद ही तलाशती है। ये खुद ही जो चीज़ें आपके अनुकूल नहीं होती उनको आपसे दूर रखती जाती है।
तो बस मेरे दिमाग में बस ये चलता था कि लाइफ गेट्स इट्स ऑन वे, मैं इसी बात को रिपीट करता रहता था। और देखिए करते करते ये हुआ कि मुझे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिला है, कई देशों में काम कर चुका हूँ और आज काफ़ी कुछ दोस्तों से आगे भी हूँ जीवन में। सब कुछ जो एक जीवन में होना चाहिए वो है मेरे पास। तो मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ कि उस वक्त जब मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में फेल हो रहा था, उस वक्त काश कोई मुझे ये बात बता देता कि सारी चीज़ें अपने आप आगे आगे सेट होती जाती हैं, तो शायद उस समय मुझे जो कितना गहरा आघात लगता था वो शायद नहीं लगता। वही चीज़ें मैं आज आपको बता रहा हूँ कि लाइफ में हर चीज़ धीरे 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 सेट हो जाती है। आप चाहे अपनी पुरानी लाइफ देख लो, या अपने बड़े लोगों की लाइफ देख लो, अपने माता पिता की देख लो, या किसी की भी लाइफ देख लो, उनकी लाइफ में भी धीरे 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 चीज़ें सेट हुई हैं जो कि आपकी लाइफ में भी होना है। कोई आप अलग इस दुनिया में विचित्र या विशेष प्रकार के इंसान नहीं है, नॉर्मली इंसान है, तो आपके साथ भी वही होगा कि धीरे धीरे लाइफ में सारी चीज़ें सेट होंगी। खराब रिजल्ट के बारे में बात करूं तो खराब रिजल्ट को स्वीकार करने के लिए आपको मानसिकता कौन सी चाहिए कि आपको ये स्वीकार करना होगा कि हर गेम में, हर खेल में, हर वक्त आपकी जीत नहीं हो सकती। आप अपने दोस्तों के साथ भी कोई सा भी खेल खेलते हो, चाहे वो वीडियो गेम से लेके स्पोर्ट्स हो या कोई सा भी आउटडोर गेम हो, हर समय आप नहीं जीत सकते हैं। ज्यादातर टाइम जीत सकते हैं लेकिन हर समय नहीं। जीत को तो आप बर्दाश्त कर लेते हैं, बर्दाश्त क्या करते हैं, खूब अच्छे से वेलकम करते हैं, लेकिन हार को बर्दाश्त करना भी एक जीत होती है। जब आप हार को बर्दाश्त करना सीख जाते हैं ना, तो आपको जीत का स्वाद चखना आ जाता है। जब हम पिस्ते खाते हैं तो हमको सारे पिस्ते अगर अच्छे आते रहते हैं तो हमें उनका स्वाद आना धीरे धीरे कम हो जाता है, लेकिन बीच में कड़वा पिस्ता आ जाता है, उससे हमें आगे के खाने वाले पिस्तों में स्वाद का अनुभव बढ़ जाता है, वो ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं। यानी कि जब आपके जीवन में खराब अनुभव आता है ना, तो वो आपको एक अच्छे अनुभव के लिए अलग टेस्ट डेवलप करके देके जाता है। हमेशा हम मीठा मीठा खाते रहेंगे तो हमें स्वाद आना बंद हो जाएगा, इसलिए बीच में कुछ दूसरे टेस्ट भी खाते हैं, नमकीन भी खाते हैं। एक ही टेस्ट की चीज़ें हम हमेशा खाते रहेंगे तो कभी भी हमारा टेस्ट डेवलप नहीं होगा। इसी तरह से जीवन में जो अलग अलग अनुभव आते हैं, जीत के, हार के, सिलेक्शन के, नॉन सिलेक्शन के, आगे आगे चल के कुछ कंपनियों के इंटरव्यू देंगे, कभी आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये सारे अनुभव आपको जीवन का टेस्ट डेवलप करने में काम आएंगे। जब आप जीत जाते हैं तो जीवन में आप थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन जब आप हार जाते हैं तो ये हार का अनुभव जीवन का एक टेस्ट डेवलप करके जाता है, जो आगे आने वाली परेशानियों में आपको जीतने में मदद करता है। कैसे करता है ये आप अपने जीवन में अपने आप देखते जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको विभिन्न परिस्थितियों में लड़ना, उलझना, संभलना आ जाता है। हमेशा जीत रहे हैं जीत रहे हैं और एक हार बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसका मतलब आप जीवन के लिए तैयार नहीं हुए हैं। जब इस तरह की कुछ हार आपके जीवन में आती है तो वो आपको जीवन के लिए तैयार करती है, आपको असली जीवन का टेस्ट डेवलप करवाती है और आपको आने वाले भविष्य के खतरों से लड़ने के लिए तैयार करती है, आगे आने वाले भविष्य की परेशानियों से लड़ने के लिए तैयार करती है। हर चीज़ जो आपके जीवन में हो रही है वो आपको किसी न किसी चीज़ के लिए तैयार कर रही है। आपकी कभी कोई मेहनत बेकार नहीं जाती है। आप सोच रहे हैं कि मैंने तो कॉम्पिटिशन के लिए इतनी तैयारी की थी, इतनी मैंने पढ़ाई की थी, अब मेरा सब बेकार गया। ऐसा मैं भी सोचता था जब मैं कॉम्पिटिशन की एग्ज़ाम की तैयारी करता था। तब मैंने कहीं सुना था कि जीवन में किया हुआ कोई भी कर्म बेकार नहीं जाता है। आपने जो कुछ भी किया है, पढ़ा है, जो भी मेहनत की, वो आपके जीवन में कभी ना कभी काम जरूर आएगी, सूनर और लेटर ये काम आती है। गीता में तो भगवान कृष्ण ने कहा ही है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा तो अधिकार ही नहीं है रिजल्ट पर। ये कृष्ण ने कहा है गीता में कि तुम्हारा काम है सिर्फ काम करना, तुम्हारा काम ये नहीं है कि रिजल्ट क्या आया उसके बारे में सोचना, या कैसा रिजल्ट आया उसके बारे में दुख या खुशी मनाना अपना काम नहीं है। हमने अपना काम किया, हमने अपनी पढ़ाई की, रिजल्ट जैसा भी आया अब इसको भगवान का प्रसाद समझ के स्वीकार करो। आगे अच्छे और बुरे सब रिजल्ट आएंगे, ये सब आपके जीवन को डेवलप करते जाएंगे। मैंने जैसा कि बताया कि अच्छे रिजल्ट आपको जीवन में थोड़ा ऊंचा उठाते जाएंगे, और बुरे रिजल्ट जब आप जीवन में और तकलीफों से गुजर रहे होंगे उस समय आपको संभलने में आपको मदद करेंगे, उनके अनुभव आपको मदद करेंगे। यानी कि आपको अपनी मानसिकता को इतना सुदृढ़ बनाना होगा कि जीत में भी खुश और हार में भी खुश, तब देखिए कि आपके जीवन कितने खूबसूरती के साथ आगे बढ़ता है।
मैंने देखा है कि लोग हार को इस तरह से गले लगा के बैठ जाते हैं कि जैसे कि जीवन में सब कुछ खत्म ही हो गया हो। ये चीज आगे के उनके डेवलपमेंट को रोक देती है। हार को स्वीकार कीजिए, देखिए कहाँ अपने से कुछ गलती हो गई। और गलती सबसे नहीं होती, देखिए गलती अगर देखो सारे स्टूडेंट्स भी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बराबर की तैयारी कर रहे हैं तो भी सिलेक्शन तो उनमें से कुछ ही लोगों का होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जिन लोगों का अच्छा रिजल्ट, जो मनपसंद रिजल्ट नहीं आया, उन्होंने कुछ गलती की। कोई गलती नहीं की, सब ने ईमानदारी से पढ़ाया, खूब पढ़ाई करी। लेकिन यहाँ तो सिलेक्शन तो लिमिटेड लोगों का ही करना है, तो कोई बात नहीं, अब आगे के लिए तैयारी करें। जो भी रास्ता है आगे के लिए कर तैयारी करते हैं। जब नदी एक पहाड़ से नीचे उतरती है तब उसका रास्ता फिक्स नहीं होता कि वो कहाँ जाएगी, वो रास्ता अपने परिस्थिति के हिसाब से तय करते हुए आगे बढ़ती है। जहाँ पहाड़ उसके सामने आ गया तो वो धीरे धीरे उन पहाड़ों को काट काट के अपना रास्ता बनाती है, नहीं काट सकती तो साइड में से निकल के घूम फिर के वो कहीं से नीचे उतरती है मैदानी इलाकों में। ये जीवन होता है, जीवन भी इसी तरह होता है। जब आगे कोई बड़ी परिस्थितियाँ आ जाती हैं तो जीवन अपना रास्ता मोड़ कर आगे बढ़ता है, लेकिन रुकता कभी नहीं है। तो लाइफ एंड वाटर गेट्स इट्स ऑन वे, जिंदगी और पानी अपना रास्ता खुद तलाश लेते हैं, इनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि यहाँ से चलो वहाँ से चलो। कुल मिलाकर जितने भी स्टूडेंट्स हैं आज की तारीख में जिनको मनपसंद रिजल्ट नहीं मिला है, जो दुखी हैं, जो सोच रहे हैं कि इतनी मेहनत की, इतने महीने मेहनत की, इतने साल मेहनत की, मैं उनसे कोई हमदर्दी जताने के लिए इस वीडियो को बनाने नहीं आया हूँ। मैं उनसे ये कहने आया हूँ कि आपको अब हमदर्दी जताने वालों से मिलना भी नहीं है, ढूंढना भी नहीं है, आपको इस रिजल्ट को स्वीकार करना है दिल से और समझ जाना है कि हमारे लिए क्या आगे रास्ता हो सकता है बेहतर। जो भी अवेलेबल ऑप्शन है उनमें से बेहतर रास्ता ढूंढना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है कि मैं आपको बूस्ट करता जाऊं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता जाऊं, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। ये एक इमोशनल वीडियो भी नहीं है कि मैं आपके इमोशन के साथ खिलवाड़ कर रहा हूं। ये एक प्रैक्टिकल वीडियो है जो जिंदगी को उसी तरह समझाने की कोशिश करता है जो जैसी जिंदगी है। जिंदगी का सिंपल सा यही अर्थ है। बड़े बड़े लोगों को भी जीवन में वो सब नहीं मिलता जो वो चाहते हैं। हम किसी को देखते हैं कि वो लाइफ में ज़्यादा खुश है, वो लाइफ में ज़्यादा सुखी है, उसने जीवन में पा लिया, लेकिन आप उसकी लाइफ में जाकर देखेंगे तो देखेंगे कि वो भी उतना ही दुखी है या उतना ही परेशान है या उतना ही झंझटों से उलझा हुआ है जितना एक आम आदमी उलझा हुआ है। मुझे एक दूसरे कंपनी का आदमी मिला था, मैं उससे कह रहा था यार तुम्हारी कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी फैसिलिटी देती है, काफ़ी अच्छी सैलरी देती है। तो उसने एक बात कही थी जो बात मेरे मन में लग गई और मैं आप सबसे भी वो बात शेयर करना चाहता हूँ। उसने ये बात कही थी कि देखो उमेश, ऐसा है कि कब्र ऊपर से कितनी भी सजी हुई हो, अंदर की हालत तो मुर्दा ही जानता है। ये बात इतनी सटीक थी, उसने तो मजाक में कह दी, लेकिन ये बात इतनी सटीक थी कि सही बात है। हम लोगों को ऊपर से देखते हैं कि ऊपर से उनका जीवन कितना अच्छा है, ऊपर से वो कितने अच्छे बंगले में रह रहे हैं, कितनी अच्छी गाड़ी में घूम रहे हैं, कितनी अच्छी नौकरी कर रहे हैं, कितना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, सब कुछ उनका बाहर से हम देखते हैं कितना अच्छा ये कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो कितने परेशान हैं, अंदर ही अंदर वो जीवन के झंझटों से कितना उलझ रहे हैं, ये हम उनको नहीं देख पाते हैं, ये तो वही लोग जानते हैं। तो उसने इतनी अच्छी बात कही थी, वो बात मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि आपको लग रहा है कि ठीक है जो जिनका सिलेक्शन हो गया है अभी वो भी शांति से अपना जीवन नहीं गुजार रहे हैं, अभी वो भी झंझटों में उलझे हुए हैं, काफ़ी उनके दिमाग में भी अलग तूफान चल रहे हैं। आपके दिमाग में तो ये तूफान चल रहा है कि आज हमारा नहीं हो पाया या आज हमारा रिजल्ट मनपसंद नहीं आया। जिनके मनपसंद रिजल्ट आ गए वो भी अभी शांति से नहीं बैठे हैं, या उनको भी जीवन के सारे सुख नहीं आके मिल गए हैं अभी, तो उनको भी जीवन की बहुत सारी लड़ाई आगे तय करना है, उनको पढ़ाई करना है और उसके आगे भी कॉम्पिटिशन देना है और बहुत सारी कंपनियों के और आगे के और बहुत सारी नौकरियों की तैयारियां करना है, बहुत कुछ करना है। अभी कहीं भी उनकी जीवन भी नहीं रुका है और आपका भी नहीं रुका है। फर्क इतना ही आया कि अभी जीवन के एक पड़ाव में कहीं वो थोड़े से आगे निकल गए, कहीं तो आप थोड़े से पीछे रह गए। तो उसने जो ये बात कही थी ना कब्र के मुर्दे वाली बात, ये बात वाकई लाइफ में बहुत सटीक है और बहुत चीज़ों को सोचने समझने में हमारी मदद करती है।
अब देखी जाए कि देखो हर समय आपको जीवन में सफलता ही सफलता मिले, ऐसा तो हम सभी चाहते हैं कि सफलता ही सफलता मिले, लेकिन ऐसा होता नहीं। जैसा कि मैंने बताया, आप बड़े बड़े आदर्श पुरुषों के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में भी पढ़ें तो आपको इन चीज़ों से मालूम पड़ेगा। जैसे कि आप देखो, एडिसन ने भी बल्ब को बनाने के पहले 10,000 बार कोशिश की थी। तो 10,000 बार जब वो फेल हुए, पर वो निराश नहीं हुए थे, उन्होंने तो यही कहा था कि मुझे अब 10,000 बार में फेल नहीं हुआ, 10,000 बार मुझे ये मालूम पड़ गया कि बल्ब किन 10,000 तरीकों से नहीं बन सकता है, मेरे को अगला तरीका ट्राई करना है। आप कितने भी बड़े आइकॉनिक आदमी हो, आप कितने ही बड़े लोगों की जीवनी उठा के देख लें, यहाँ तक कि महापुरुषों की और अवतारों की भी जीवनी उठा के देख लें, सबने लाइफ में हमेशा सफलता अर्जित नहीं की थी। कहीं ना कहीं सबको तकलीफों को, परेशानियों को और नॉन सिलेक्शन को फेस करना पड़ता। तो हम और आप उसमें से अलग नहीं हैं। अभी आपकी उम्र शायद कम है, लेकिन उम्र कम है अभी आपकी, तो हो सकता है कि जीवन के प्रति समझ थोड़ी सी कम हो। जैसे जैसे आपको इस तरह के अलग अलग अनुभव मिलते जाएंगे, जीवन की समझ बढ़ती जाएगी, और आप अपने जीवन को जब कुछ सालों बाद देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे यार, बात तो सही थी, फेल हुए उसका फायदा ये हुआ, पास हुए उसका फायदा ये हुआ, नई सिलेक्शन हुआ उसका फायदा ये हुआ, सिलेक्टेड हुआ उसका फायदा ये हुआ। आपको खुद ही दिखेगा, मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पर। इस तरह से मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने आने रिजल्ट से, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के रिजल्ट से आप अगर संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इस असंतुष्टि का भी पूरा सम्मान कीजिए। संतुष्ट नहीं है कोई बात नहीं, आप जाइए और आज अपनी असंतुष्टि को भी सेलिब्रेट कीजिए। जब आप कहीं पास हो जाते हैं, आपका अच्छा रिजल्ट आता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, कोई अच्छी खबर आती है, आप जाते हैं, फौरन जाते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपनी असफलता को भी सेलिब्रेट करना सीखिए। आज जाइए किसी होटल में खाना खाइए, जाइए कहीं मॉल में पिक्चर देख के आइए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है कोई बात नहीं, इस बात को भी आप अपने अंदर ही अंदर सेलिब्रेट कीजिए। ऐसे दोस्तों के साथ में जाइए जिनका नहीं हुआ, या ऐसे दोस्तों के साथ में जाइए जिनका हो गया, और सेलिब्रेट कीजिए। कुछ नहीं तो कम से कम बाजार में जाइए, एक आइसक्रीम खा के आइए, और अपनी असफलता को भी सेलिब्रेट कीजिए। असफलता को जिस दिन आप सेलिब्रेट करना सीख गए ना, आप समझ लीजिए जीवन जीना सीख गए, आप जीवन को समझ गए, फिर आपके जीवन में सफलता हो या असफलता, कोई भी चीज़ आपको विचलित नहीं करेगी। असफलता भी आपके लिए वैसी ही रहेगी जैसी सफलता है, आप उसको सेलिब्रेट करना सीखिए। सेलिब्रेशन जब हम किसी का कड़वे अनुभव का भी करते हैं ना, वो कड़वा अनुभव हमारे अंतर मन में रिकॉर्ड हो जाता है, और हमको आने वाले जीवन में जो अनुभव और आने वाले हैं, क्योंकि हमेशा अच्छे अनुभव नहीं आएंगे, आगे भी कड़वे अनुभव आएंगे, हर स्टेप पे आएंगे, हर उम्र के हर दौर पे आएंगे, आपको सेलिब्रेशन करने से उनको झेलने में आसानी होगी, उनको समझने में आसानी होगी, और आगे अपने जीवन को बढ़ाने में आसानी होगी। एक मैं उदाहरण और इसमें जोड़ना चाहूँगा कि जैसे देखिए, शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट भी हमारे जीवन की तरह चलता है, कभी ऊपर चलता है कभी नीचे चलता है, कभी ऊपर चलता है कभी नीचे चलता है। सपोज कीजिए कि आप शेयर मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा है, ऊपर ही ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ ही नहीं रहा है, तो क्या होगा? क्या उसमें कोई ट्रेड कर पाएगा, कोई उसमें खरीद बेच कर पाएगा? क्योंकि ऊपर ही ऊपर जा रहा है, बोरिंग हो जाएगा, कोई नहीं आएगा इसकी तरफ, एक बार जिसने खरीद लिया बस वो बैठ जाएगा। मतलब कि उतार चढ़ाव एक्चुअली जीवन का आनंद आपको देने के लिए होते हैं। आप उतार में भी आनंद लीजिए, चढ़ाव में भी आनंद लीजिए। सांप सीढ़ी के खेल में आपने बचपन में देखा होगा, कई बार आप ऊपर चढ़ते हैं, वापस सांप खाता है, नीचे उतरते हैं, एक्चुअली वो भी आपको जीवन की कुछ सीख देता है। इसी तरह आप जीवन की सीख को लेते जाइए और जीवन को जीते चले जाइए। एक्चुअली बस यही जीवन है और कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा गंभीरता से मत लीजिए इसे, एकदम नॉर्मली लीजिए। ये तो उसी तरह लीजिए कि एक गेम खेला, कभी जीत गए कभी हार गए। तो ये वीडियो मैंने आपके लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं बनाया है, लेकिन ये मैंने आपके जीवन के अनुभव को समझने की कोशिश में एक वीडियो बनाया है। अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी आपके दोस्त के काम का भी हो, तो आप उसे भेज सकते हैं, और अपने कुछ सुझाव भी अपने कमेंट में दे सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद।